लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण का मतदान शुरू हो चुका है। 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। जनता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। असम की 5, जम्मू कश्मीर की 1, त्रिपुरा की 1, यूपी की 8 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। तो वहीं गाजियाबाद, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर में चुनाव है। अमरोहा, बुलंदशहर में चुनाव हो रहा है। बागपत में भी मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। तो दूसरा चरण मनीषा बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहले चरण में हम लोगों ने देखा किस तरीके से मतदान की प्रक्रिया रही, लेकिन वोटिंग परसेंटेज कब रहा। तो ऐसे में दिग्गजों के तमाम पोस्ट सामने आए हैं। प्रधानमंत्री हो, जेपी नड्डा हो, सीएम योगी आदित्यनाथ हो, सभी अपील कर रहे हैं, मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपने मत का आप प्रयोग कीजिए। बिल्कुल अनिति, और देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि दूसरे चरण का मतदान है, ऐसे में वोटिंग परसेंटेज कितना हद तक बढ़ता है और तमाम दिग्गजों का जो प्रण है वो किस रंग में आगे आता है। आपको बता दें कि 88 सीटों पर कौन जीतेगा सियासी जंग, ये देखना वाकई में दिलचस्प होने वाला है। आज यूपी की 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। प्रत्याशियों की किस्मत पर जनता का फैसला आज होना है, फैसला कैद हो जाएगा। 13 राज्यों की 88 सीटों पर ये मतदान हो रहा है और आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी है और मतदान केंद्रों पर अब धीरे धीरे लोग पहुंचने लगे हैं, तस्वीरें सामने आने लगी हैं। और इस चरण में जिन उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी उसमें मथुरा सीट पर भाजपा उम्मीदवार हेमा मालिनी, मेरठ सीट से भाजपा के टिकट पर उतरे अरुण गोविल, अमरोहा से कांग्रेस उम्मीदवार दानिश अली, गौतम बुद्ध नगर सीट से भाजपा उम्मीदवार महेश शर्मा शामिल हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 8 में से 7 सीटों पर भाजपा का कब्जा रहा है, भाजपा के उम्मीदवारों को जीत मिली थी। वहीं अमरोहा सीट पर बसपा के टिकट पर दानिश अली जीते थे। तो चलिए, हमारे साथ लगातार हमारे विशेष संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, राजकुमार नोएडा से, और तमाम दिग्गज लगातार संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा राजकुमार आपका रुख करते हैं पहले, क्योंकि देखिए लगातार दिलचस्प ये चुनाव बना हुआ है और नोएडा में मुकाबला कितना ज्यादा दिलचस्पी बढ़ा रहा है। महेंद्र नागर एक तरफ टक्कर दे रहे हैं तो वहीं महेश शर्मा लगातार जीतते आए हैं, तो वो जो जोश है वो फिलहाल नजर आ रहा है कि नहीं? देखिए उन्नति, स्वाभाविक तौर पर देखिए ये क्योंकि एक इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, मैं अपनी बात को फिर एक बार वहीं से शुरू करूंगा, क्योंकि खुर्जा संसदीय सीट थी ये और सुरक्षित सीट मानी जाती थी। कांग्रेस का गढ़ रहा है लगातार, रोशनलाल 5-5 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ से रहे हैं, लेकिन जब भी ये सुरक्षित थी, सुरक्षित रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक जगह बनाई, और जिस समय राम मंदिर का मुद्दा हुआ उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जड़ें यहाँ पे मजबूत की। अशोक प्रधान 4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे उस सुरक्षित सीट पर जो खुर्जा के तौर पर मानी जाती थी। उसके बाद 2009 में ये सीट जनरल सीट हुई, और गौतम बुद्ध नगर की सीट जो है इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि इसका जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं दिल्ली पे खुलता है। एक जो इलाका है वो झुप्पा में पलवल के आसपास का जो एरिया है वो हरियाणा से टच होता है, दूसरा दिल्ली की राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली से खुलता है, और शो विंडो उत्तर प्रदेश की शो विंडो माना जाता है। आर्थिक समृद्धि के तौर पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो ड्रीम प्रोजेक्ट हैं वो चल रहे हैं। जो अब एक इंटरनेशनल जो इवेंट हुआ है और इंटरनेशनल लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो बड़े उद्योगपतियों को लाने की जो व्यवस्था की गई है, चाहे हम सैमसंग की बात कर लें और चाहे हम एलजी होंडा जैसी कंपनियों की बात कर लें, वो सब इसी क्षेत्र में कहीं ना कहीं स्थापित हैं। 2009 में गौतम बुद्ध नगर जो है वो जनरल सीट हुई, और 2009 में पहली बार क्योंकि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही और बसपा की सुप्रीमो मायावती का भी ये गृह जनपद है, बादलपुर उनका गांव है, 2009 में जरूर ये सीट बसपा के खाते में गई, और उस समय भी डॉक्टर महेश शर्मा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, 2 बार से लगातार तीसरी बार वो मैदान में हैं, वो चुनाव लूज कर गए थे केवल बहुत नॉमिनल मार्जिन, अगर 15,000 की बात करें तो 15,000 वोटों का केवल अंतर था। और देखिए समीकरण, राजनीतिक समीकरण किस तरीके से बदलते हैं। जिन्होंने हराया सुरेंद्र सिंह नागर बहुजन समाज पार्टी के पहले 2009 में यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, सांसद थे, अब वो राज्यसभा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के और राष्ट्रीय सचिव हैं, उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। तो ये जो इलाका है ये गंगा और यमुना के बीच का जो इलाका है इसमें हिंडन बीच में पड़ती है और ये तराई का इलाका है। एक अगर बात कर लें तो पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरी दुनिया
के जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं ग्रेटर नोएडा में, पूरा एक इलाका जो है वो एजुकेशन हब के तौर पे है, उसमें 12 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी स्थापित हैं और ऑस्ट्रेलिया से लेके तमाम विदेशों के जो बच्चे हैं वो अपने बेहतर भविष्य की कामना लेके यहाँ आते हैं, तो इस बात को लेकर भी ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 3,36,000 वोटों से पिछली बार ये डॉक्टर महेश शर्मा ने सीट जीती थी और इस बार जो मुकाबला है वो बहुत रोचक मुकाबला है। 1988 में एक विधायक रहे कांग्रेस के राजेंद्र सिंह सोलंकी, सिकंदराबाद एक सीट लगती है जो इसी संसदीय क्षेत्र का एक हिस्सा पड़ती है, तो ठाकुर बेल्ट जो है ये बेसिकली यहाँ चुनाव को एक ध्रुवीकरण बनाने का प्रयास किया गया। तो जो 3 विधानसभा सीटें पड़ती हैं जिनकी हम सिकंदराबाद, खुर्जा और जेवर की बात करें, ये ठाकुर बाहुल्य इलाका माना जाता है, तो उसमें बहुजन समाज पार्टी बहुत बेहतर तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। उसके अलावा गठबंधन के अगर उम्मीदवार की बात करें तो वो भी पेशे से डॉक्टर हैं, पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर महेंद्र नागर और ये गुजर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो ये जो इलाका है दादरी की बात कर लें, दादरी के अलावा सिकंदराबाद और नोएडा का बहुत सारा इलाका ऐसा है कि जिसमें यादव जो कम्युनिटी है उसके तकरीबन 20 से ज़्यादा गांव पड़ते हैं, तो यहाँ भी बहुत अच्छा मुकाबला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शहरी और ग्रामीण इलाकों में ये क्षेत्र बटा हुआ है, 800 से ज़्यादा गांव लगते हैं। अलीगढ़ का गवाना गांव पड़ता है, यहाँ से तकरीबन 150 किलोमीटर की दूरी पर है, वो अंतिम गांव है। तो ये जो भौगोलिक दृष्टि और जातिगत आंकड़े और शहर और गांव में बटी हुई जो सीट है, ठीक है बिल्कुल। और जोधपुर से हमारे साथ नवीन दर्द जुड़ चुके हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। नवीन, तो जिस मतदान केंद्र पर आप मौजूद हैं वहां की क्या कुछ खास तस्वीरें हैं, किस तरह से हलचल होती हुई, किस तरह से मतदाता अभी मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, क्या तस्वीरें दिखाना चाहेंगे? चाहूंगा कि सवेरे 7 बजे से ही मतदान के सारे मतदाता पहुंचने लगे और गजेंद्र सिंह शेखावत जो की जल शक्ति मंत्री है वो तुरंत पहुंचे ही है वोट कास्ट करने के लिए अपने परिवार के साथ। बिल्कुल, देखिए मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है और जोधपुर से भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए, उन्होंने तमाम तस्वीरें बयां की हैं कि लगातार मतदाता वहां के भी जागरूक नजर आ रहे हैं। हमारे साथ मदन, हमारे संवाददाता बुलंदशहर से जुड़े हुए हैं। मदन, बुलंदशहर से क्या तस्वीरें सामने आ रही है? 7 बजने के साथ ही मतदान की प्रक्रिया चल रही है, अब 8 बजे का कुछ समय हो रहा है और ऐसे में अब 1 घंटे के अंतराल में क्या बदलती हुई तस्वीर आप देख रहे हैं? क्या कतारें बड़ी हैं मतदाताओं की? कॉलेज है वहाँ पर मौजूद है, यहाँ से हम पल पल की आपको तस्वीर भेज रहे हैं। यहाँ से अभी बुलंदशहर डीएम अपना मतदान करके निकले हैं और जनता से भी अपील करी है कि अधिक से अधिक आए और अपना मतदान जो है वो दे, क्योंकि आप ही चुन पाएंगे कि आपका घर का देश का आगे कौन रखवाला होगा। और यहाँ आपको बताना चाहते हैं बुलंदशहर लोकसभा जो है ये 2 लोकसभा में बटी हुई है, एक गौतमबुद्ध लोकसभा में, दूसरी बुलंदशहर लोकसभा में। यहाँ पे विधानसभा 7 है, 2 लोकसभा जैसे राजकुमार भाई ने हमें बताया था, खुर्जा विधानसभा और सिकंदराबाद विधानसभा, ये गौतमबुद्ध नगर में लगती है। वही 7 विधानसभा जो है ये लोकसभा बुलंदशहर में लगती है। वही हम आपको ये भी आंकड़े बताना चाहेंगे कि यहाँ पे करीबन 20 लाख मतदाता है, जिसमें से 10 लाख मतदाता पुरुष है, वही 9 लाख की संख्या में महिलाएं मतदाता है। वहीं पे नए जो मतदाता है, युवा मतदाता है जो फर्स्ट टाइम वोटिंग करेंगे, वो लगभग 41,000 है। अगर आपको हम आंकड़े की बात करें तो यहाँ पे आंकड़ा 2014 से हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 2014 से यहाँ पे 58% मतदान हुआ था, वहीं पे 2019 में 62 मतदान हुआ था और अब 2024 आ चुकी है, लगभग इस बार मतदान बढ़ेगा क्योंकि लगातार प्रशासन जागरूकता अभियान चलाया है, जागरूकता फैलाई है, तो देखने वाली बात होगी कितना मतदान बढ़ता है। मनीषा बिल्कुल, और हापुड़ से हमारे साथ श्याम शर्मा भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे। श्याम, हापुड़ के मतदाता कितना ज्यादा जागरूक नजर आ रहे हैं वहां पर, जिस मतदान केंद्र पर आप मौजूद हैं, किस तरह की हलचल तेज होती हुई, क्या कुछ खास तस्वीरें? बताते हैं कि दूसरे चरण का चुनाव जो है 5 बजे से लोगों मतदाताओं में बहुत जागरूकता दिखाई दे रही है, जो अपने मतदान केंद्र पे आकर अपने वोटों का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपना मत दे रहे हैं। और यह जो हापुड़ की जो लोकसभा है वो 3 विधानसभा में बटी हुई है, जिसमें की एक अमरोहा विधानसभा, दूसरी मेरठ विधानसभा और तीसरी गाजियाबाद विधानसभा। गाजियाबाद विधानसभा से अतुल गर्ग प्रत्याशी है और मेरठ प्रत्याशी अरुण गोगे जी है और अमरा से जो है वो
प्रत्याशी हैं वो तीनों लोकसभा में आप देखना है कि किसके पक्ष में जाती है वोटिंग। आज आप देख पा रहे हैं कि मेरे पीछे जो जो कतारें लगी हुई हैं वहाँ पे जो पुलिस फोर्स है चेकिंग कर करके उन्हें भेज रही है और उनके पर्चे चेक कर रही है और काफी उत्साह पब्लिक में भी दिखाई दे रहा है। देखना है कि दूसरे चरण प्रथम चरण से ज्यादा वोटिंग कर पाएगा और परसेंटेज बढ़ा पाएगा। जी मनीषा बिल्कुल। और देखिए वोटिंग परसेंटेज पर I think they want continuity, they want stability, people want India to progress and they've seen last 10 years is performance of this is definitely in the minds of the people and therefore I think that will be the one with which they've come to the group. You can see the enthusiasm, senior citizens in particular, I'm very grateful, have just come out of their homes and they are long queues, they are not grudging, they are not saying oh it's taking too long. They are there and some of them, I know the election commissioner, I'm grateful to the election commissioner. Election commissioner has made a provision that they can vote from home. But despite that, inclusive of my parents, despite that, many senior citizens have chosen to come and be here, feel the pulse and cast their vote. I welcome that. I was also very happy to see not one-time voters, the first-time voters, you know, first-time voters who were here. I stood with them, had some pictures clicked. The enthusiasm among the senior citizens and enthusiasm among the young, first-time voters is very encouraging. No, I would want Bengaluru South also to set a record in terms of being good citizens, and I'm sure they're very good citizens and they would come this time out to it. Thank you. Thank you. तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा प्लीज कम डू वोट, यानी कि मतदान के लिए जहां एक तरफ लोगों को जागरूक किया है, अपना वोट भी उन्होंने कास्ट कर दिया। उन्होंने कहा इट्स ऑल मैटर ऑफ स्टेबिलिटी, तो इसका भी जिक्र वो कर गई हैं कि किस तरीके से विकसित संकल्प जो लगातार बीजेपी बात कर रही है उसका उन्होंने जिक्र किया है। लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। राजकुमार सीधा आपके पास लौटती हूं। अगर थोड़ा सा वाइड पर्सपेक्टिव में मैं बात करूं और उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 8 सीटों पर मतदान हो रहा है, ऐसे में 7 सीटें 2019 में बीजेपी के खाते में गई ही थी। इस बार बीजेपी क्या कोशिश कर रही है और जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, जो बदले हुए हैं वो क्या इशारा कर रहे हैं? देखिए उन्नति, बहुत अहम सवाल है आपका और इसको एक चीज जरूर माननी पड़ेगी। एक हिंदी फिल्म का गाना है, मेरे देश में पवन चले पुरवाई, लेकिन देखिए ये लोकसभा का जो चुनाव है इसमें अगर बात करें तो पश्चिम से हवा चल रही है और पूर्व की तरफ वो किस तरीके से जाती है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। पहले चरण में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर चुनाव हुए हैं और अब ये दूसरा चरण जो है इस पर भी 8 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। और बिल्कुल राजकुमार आप अपनी बात रख सकते हैं। जी आपकी ऑडियो मुझे मिल पा रही है, चलिए शायद उन तक आवाज नहीं आ रही है। आकाश का रुख कर लेते हैं, गाजियाबाद से हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश देखिए गाजियाबाद का तो हम लोग लगातार जिक्र कर रहे हैं कि जो समीकरण है, जो प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं, कितनी नेक टू नेक फाइट नजर आ रही है, लेकिन जो मतदाता है उनके मन में वो मुद्दे हैं कि नहीं जो मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हुए हैं, खासतौर से बिजली पानी जैसे जो मुद्दे हैं और विकास की जो रफ्तार रैपिड ट्रेन दौड़ रही है उसका मुद्दा कितना ज्यादा मतदाताओं को प्रभावित कर रहा है? चलिए शायद आकाश से हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा से कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता मदन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बुलंदशहर से। मदन आपके पास आते हैं, अभी की क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है मतदाताओं की संख्या में कोई इजाफा हो रहा है कि नहीं?
तो चलिए, शायद संवाददाताओं से संपर्क नहीं हो पा रहा, जल्दी से इसको दुरुस्त कराते हैं। लेकिन इस बीच लगातार तस्वीरें देखिए मनीषा, लगातार हम दिखा रहे हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हो या फिर बड़े बड़े दिग्गज प्रत्याशी हो, अरुण गोविल मतदान करने पहुंचते हैं तो इस दौरान वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मुझे तो अपने जीवन में कभी वनवास नहीं मिला है। ऐसे में एक उम्मीद प्रत्याशियों में देखने को मिलती है, एक जोश प्रत्याशियों में देखने को मिलता है। अब ये दूसरे चरण की बारी है, लेकिन देश का चुनाव है तो किस तरीके से दिलचस्पी और ज्यादा बढ़ा रहा है ये दूसरा चरण? बिल्कुल उन्नति, और देखा जा सकता है कि जिस तरह से आज कहीं ना कहीं जो मतदाता है वो जागरूक जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि पहले चरण के मतदान के दौरान जिस तरह से मतदाताओं में जो उदासीनता देखने को मिली थी, आज देखने को ऐसा मिल रहा है कि मतदाता ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। और ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि शाम तक एक अच्छा वोटिंग परसेंटेज निकल कर आएगा तमाम सीटों पर। और देखना यह भी दिलचस्प होगा कि इस बार के चुनाव में किस तरह से सियासी समीकरणों को साधने का प्रयास किया गया था पार्टियों की तरफ से, उसी तरह से साधा जाता है कि नहीं। तमाम हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। अलग अलग सीटों के समीकरण वो हमें समझा रहे हैं। आपको बता दें कि 88 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, यूपी की 8 सीटों पर चुनाव हो रहा है, और लगातार जो मतदाता है वो जागरूक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी देशवासियों से ये अपील की है कि वो आए और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उन्नति, बिल्कुल देखिए, और यही खास हो जाता है लोकतंत्र के इस महापर्व में। ठीक है, रुक करते हैं बुलंदशहर से, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या तस्वीरें फिलहाल बुलंदशहर में इस वक्त नजर आ रही हैं? जो मतदाताओं की संख्या है वो कैसे इस वक्त नजर आ रही है और कैसे वर्ग के लोग पहुंच रहे हैं, यानी कि महिला मतदाताओं की क्या संख्या है, बुजुर्ग मतदाताओं की क्या संख्या है, युवाओं की क्या संख्या है? मनीषा, हम आपको बताना चाहते हैं यहाँ पे जो संख्या है वो धीरे धीरे आ रही है। सुबह से ही 7 बजे जब हम ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ पहुंचे थे तो हमने वहाँ संख्या देखी थी तो काफी लंबी लाइन लगी हुई थी। वहीं पे देखा जाए तो बुजुर्ग करीबन 80 साल के हमें मिले थे, हमने बाइट भी आपको भेजी है, और साथ में चाहे युवा हो, जैसे मैंने बताया पहले भी 41,000 लगभग पूरे बुलंदशहर लोकसभा में इस बार वोटिंग कर रहे हैं जो अपने नेता को चुनेंगे। मनीषा, बिल्कुल, और नवीन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। तो नवीन, लगातार अब 8:30 बजने के करीब है, मतदाता किस संख्या में पहुंच रहे हैं, किस तरह की कतारें वहां पर लगी हुई नजर आ रही हैं, मतदाताओं में क्या कुछ सियासी मुद्दे हावी होते हुए? सबसे पहले तो एक साधारण साथ लाइन में लगकर के वोट कास्ट किया है अपने परिवार के साथ में, और अभी वोट कास्ट करके आई गए। फिर मैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी को लेना चाहूंगा। एक बार आप देख सकते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत वोट कास्ट करके बाहर आ रहे हैं, और ये तस्वीरें मैं आपको सीधा दिखाना चाह रहा हूँ जहाँ गजेंद्र सिंह शेखावत वोट कास्ट करके आ रहे हैं। मीडिया से घिरे हुए हैं गजेंद्र सिंह शेखावत और क्या कुछ कहते हैं वोट कास्ट करके आने की बात रही है मैं आपको बताना चाहूंगा। उन्नति, आप देख पा रही है बिल्कुल। देखिए नवीन, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं और कोशिश कीजिए कि अगर बात हो जाए तो उन्हें हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत किस तरीके से हमेशा से मिल रहा है कि वो वोट कास्ट आने के बाद इतनी अपनी बात मीडिया के सामने करते हैं। ठीक है नवीन, देखिए लगातार जो दिग्गज हैं वो वोट कास्ट करने पहुंचे हुए हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। सीधा रुख करते हैं, राजकुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। देखिए, हम और आप जिक्र कर रहे थे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, पश्चिमी यूपी की बात कर रहे थे, और जो समीकरण इस बार बैठाए गए हैं उसकी भी बात कर रहे थे, लेकिन इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्योंकि इस बार मुद्दे इतने बड़े बड़े सामने आए उत्तर प्रदेश में। क्योंकि अगर हम चाहे मेरठ की बात कर लें या फिर क्योंकि अयोध्या का मुद्दा रामनवमी भी मनाकर सब लोग गए हैं, और इस मुद्दे को भी जिस तरीके से पेश किया जा रहा है, लोग गदगद नजर आ रहे हैं, तो उसका कितना प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है आध्यात्मिक एंगल से अगर मैं बात करूं तो? देखिए उन्नति, बहुत अहम सवाल है और इसके लिए हमें अयोध्या जरूर चलना पड़ेगा। और नेटवर्क 10 ने जब अपना एक इवेंट वहाँ पे किया, एक बहुत शानदार, हम लोग सुबह से एक शाम तक तकरीबन 8.5 घंटे वो कार्यक्रम लाइव रहा, और आप ये देखिए कि उस समय जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था उससे एक दिन पहले तमाम धर्मों के जो अनुयायी थे, चाहे हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पादरी तमाम जो जैनी
जो समुदाय है उससे भी, तमाम लोग थे वहाँ राम का गुणगान करते हुए। तो ये जो अयोध्या का जो मसला है, अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर बना है, ये एक ऐसा मसला था कि भारतीय जनता पार्टी का एक आधार था और भारतीय जनता पार्टी इसी मसले को लेके आगे चली और तकरीबन 500 वर्षों बाद अयोध्या में जिस तरीके से अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है और वहाँ पर राम का मंदिर स्थापित हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जो हुआ उसमें देखा कि पूरा देश एक सूत्र में बंधा, स्वाभाविक तौर पर इस चुनाव में भी उसका खासा असर दिख रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम तरह के विकास के कार्यों को लेकर, चाहे हम कोविड की बात कर लें, कोविड के दौरान जिस तरीके का मैनेजमेंट उत्तर प्रदेश में रहा, जिस तरीके का मैनेजमेंट पूरे देश में रहा, देखिए अपने पेट को काट कर जब हम दूसरे के पेट का ध्यान रखते हैं तो स्वाभाविक तौर पर एक अंतर्राष्ट्रीय छवि बनती है और हिंदुस्तान आज महाशक्ति बनने की तरफ अग्रसर है, इसको अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ हिंदुस्तानी भी समझता है। और उन्नति एक बात जरूर देखिए इस चुनाव में देखनी होगी कि जनता जो है वो स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि जनता के बीच में हम गए, जनता का मूड जानने का प्रयास किया, तमाम जो हमारे संवाददाता हैं उन्होंने भी बिल्कुल डाउन टू अर्थ नीचे जाकर, जो लोग बिल्कुल एक तरह से हैंड टू माउथ होते हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं महंगाई और उसकी बात करते हुए दिखे, बेरोजगारी की, तमाम तरह के जो मुद्दे हैं उन सबको देखे, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय छवि जो बनी, एक आत्मविश्वास जो आदमी के अंदर पनपा है, उसने एक रास्ता जरूर ये तय किया है कि एक बार और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मिशन को लेकर आगे चल रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर लें, मतलब भारतीय जनता पार्टी का अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख, देखिए एक मैनेजमेंट ये देखिए कि एक कार्यकर्ता को 50 वोट एक पन्ने पर होती हैं, उसको पन्ना प्रमुख की भूमिका में बनाकर और उसको पन्ना प्रमुख बना दिया, उसको केवल उन 50 वोटरों का ध्यान रखना है। जब सुबह शाम उनके पास वो जाएगा, उनके सुख दुख में शामिल होगा, तो स्वाभाविक तौर पर जिस दिन वोट डालने की बात आएगी तो वो उन्हें मूव करने का प्रयास करेगा। तो ये जो मैनेजमेंट है, इस मैनेजमेंट को लेकर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आत्मविश्वास से लबरेज है। उसके अलावा बाकी विपक्ष के नेता हैं, वो भी अपने मुद्दों को लेकर तमाम तरीके की चीज़ें हैं। राहुल गांधी की बात कर लें, राहुल गांधी ने एक पदयात्रा की, दो पदयात्राएँ की हैं, जनता को बताने का प्रयास किया है कि हम लोग भी जनता के बीच में गए, तो एक अलग तरीके की व्यवस्था। देखिए हिंदुस्तान के लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट हो, तमाम जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, चुनाव आयोग, तमाम तरह की जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी एक अपील करती हुई दिख रही हैं कि हर आदमी जो अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ वो भी अपने मताधिकार का उपयोग जरूर करे। तो ये लोकतंत्र जो है इसमें परिणाम क्या निकलते हैं ये तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि भविष्यवाणी कभी नहीं करनी चाहिए, राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल होती है। लेकिन एक बात जरूर तय है कि पश्चिम में ये जो सीटों पर जिन पर चुनाव हो रहा है ये प्रचंड बहुमत से जीते हुए, गाजियाबाद की अगर बात करें तो वीके सिंह दूसरी 4,80,000 वोटों के मार्जिन से, 4,80,000 वोटों का मार्जिन, उन्नति बहुत बड़ा मार्जिन होता है, हिंदुस्तान की सेकंड लीड थी, प्रधानमंत्री तीसरी लीड पर रहे हैं। मैं जहां गौतम बुद्ध नगर में इस समय मौजूद हूं, 3,36,000 वोटों का मार्जिन, आप देखिए ये जो लाखों वोटों का जो मार्जिन था उस मार्जिन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं लबरेज हैं, बूथ तक लेके आने का प्रयास कर रहे हैं वोटों को। दो दो घंटे बाद अब ये रुझान आने शुरू हो जाएंगे 10 बजे के आसपास, तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं, 60% मतदान पहले रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा इस समय जोर, पूरा फोकस एक उस तरीके से है कि अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को लोकतंत्र में वोट डालने के लिए आगे निकाल के लाया जाए। और तमाम मुद्दे हैं, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को लेकर, महंगाई इसमें कोई दो राय नहीं है, 2000 अगर हम आंकड़ों की बात करें तो जिस समय सत्ता हासिल की थी उस समय सोने के भाव 25,000 के आसपास थे, आज 75,000 के आसपास पहुंच गए स्वाभाविक तौर पर, लेकिन एक आदमी के अंदर आज भी आत्मविश्वास पनपा है, उसको ऐसा लगता है कि हम एक इंटरनेशनल लेवल पे सर उठा के खड़े हो सकते हैं। तमाम जो चाहे G20 की बात कर लें, जिस तरीके से जो शीर्ष जो देश थे उनके जो राष्ट्राध्यक्ष थे उन्होंने उन्होंने किस तरीके से हिंदुस्तान को समझा, बाजरा, जिस बाजरे को पशुओं को खिलाया जाता था उसको एक बहुत बेहतर तरीके से कहीं ना कहीं पेश किया, और आज दुनिया में
बाजरे की खपत जो है एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे निर्यात किया जा रहा है। तो ये जो चीजें हैं अंतिम पायदान पे खड़े हुए आदमी को जो बिल्कुल ले में जो गांव में रहता है जो अपने खेत से घर घर से खेत केवल वहीं तक सीमित रहता है। भारत का एक स्वप्न दिखाया गया है जनता को, अब उस पर कितना एतबार जनता करती है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। देश की बात है, देश की प्रगति की बात है और इसलिए ये चुनाव बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूरे विश्व की नजर है कि भारत में आखिर इस बार लोकसभा चुनाव जो है किस तरीके से नया मोड़ लेता है। आज भारत जो है अपनी ये अहम भूमिका बना चुका है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच बुलंदशहर से हमारे डीएम और एसएसपी ने अपना वोट कास्ट किया है और इसी के साथ खास बातचीत भी की है, सबसे पहले वो आपको सुनवा देते हैं। दूसरे चरण का आगाज हुआ है, मैंने मतदान किया है। मैं सभी बुलंदशहर वासियों से मतदाताओं से अनुरोध करूंगा कि वो भी घर ना बैठे मतदान करें, चूके ना ये बुलंदशहर के लिए गौरव की बात होगी अगर वो मतदान करेंगे। सभी मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई। सभी बूथों पे आप स्वयं देख रहे हैं कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है। आए, इसका आनंद लें, उत्सव मनाएं, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जय हिंद। देखिए, आप जैसा कि देख रहे हैं सेकेंड फेज की वोटिंग बुलंदशहर में सकुशल शुरू हो चुकी है और पूरे जनपद में पर्याप्त पुलिस व्यवस्था की गई है। पूरे जनपद को 33 जोन और 191 सेक्टर्स में विभाजित करके सेक्टर और जोनल पुलिस ऑफिसर्स को मोबाइल करा गया है। जनपद को लगभग 45 कंपनी CAPF उपलब्ध हुई है जिनको की विभिन्न स्थानों पर लगाया गया है और इनकी QRTs भी मोबाइल है। प्रत्येक थाना पर जितने भी पोलिंग सेंटर्स हैं इनको क्लस्टर्स में विभाजित करते हुए इंश्योर किया गया है कि कहीं से भी कोई सूचना आती है तो 5 से 7 मिनट के अंदर हमारी एक मोबाइल मय फोर्स स्थान पर पहुंच जाए। 112 की गाड़ियों को डिप्लॉय किया गया है, सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रही है और पूरे चुनावी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष। बिल्कुल, और इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल से ये पोस्ट लिखा है और उन्होंने लिखा है कि BSP सुप्रीमो मायावती ने पोस्ट करते हुए दूसरे चरण के मतदान के लिए वोट अपील की है और उन्होंने कहा है कि दूसरे चरण में गरीब मतदाताओं को सोचना होगा, आपके अच्छे दिन तो आए नहीं, उनके बहुप्रचारित लुभावने वादे का क्या हुआ, कांग्रेस के गरीबी हटाओ की तरह भाजपा का वादा खिलाफी, पहले मतदान और फिर जलपान करें, इस तरह का कुछ उन्होंने पोस्ट लिखा है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी वोट अपील की है समस्त प्रदेशवासियों से और उन्होंने कहा है कि सब कुछ सोच समझ के अपने मताधिकार का प्रयोग करें और मतदान केंद्रों का रुख करते हुए अपने ज्यादा से ज्यादा मताधिकार का प्रयोग करते हुए उन्होंने वोट अपील की है। तो 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान चल रहा है। अलग अलग जिलों की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं, तमाम दिग्गज अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। कहीं पर डीएम और एसएसपी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया तो वहीं उससे कुछ देर पहले हमने आपको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का भी वोट कास्ट करते हुए तस्वीरें साझा की थी और राहुल गांधी का भी ये पोस्ट, उन्होंने लिखा है कि मेरे प्यारे देशवासियों, देश की तकदीर का फैसला करने जा रहे इस ऐतिहासिक चुनाव का आज दूसरा चरण है, अपने मताधिकार का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें। और लगातार जो तमाम दिग्गज हैं वो देशवासियों से वोट अपील कर रहे हैं और ये संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बने। तो महामतदान की महाकवरेज लगातार जारी है नेटवर्क 10 पर। दूसरा इम्तिहान है, दूसरे फेज का आज इलेक्शन हो रहा है, शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और नए भारत के निर्माण के लिए वोट करने की अपील कर रहे हैं। और बड़ी खबर के साथ गाजियाबाद साहिबाबाद में ईवीएम मशीन में खराबी की बड़ी खबर सामने आ रही है। बूथ संख्या 647 पर ईवीएम में खराबी आई है। बूथ संख्या 647 पर मतदान थोड़ी ही देर में शुरू होने की सूचना, गाजियाबाद साहिबाबाद में ईवीएम मशीन में खराबी की सूचना मिल रही है। उन्नति, बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर, जहां मतदान थोड़ी देर के लिए प्रभावित हुआ है, जहां गाजियाबाद साहिबाबाद में ईवीएम मशीन में खराबी सामने आई है। बूथ संख्या 647 पर ईवीएम में खराबी आई है, तो हालांकि इसको दुरुस्त किया गया है, थोड़ी देर में शुरू हुआ है मतदान, लेकिन बीच में कुछ देर के लिए मतदान की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। तो ये बड़ी खबर है,
कहीं से ये खबरें जो है सामने आती हैं, लेकिन क्योंकि लगातार मौके पर प्रशासन की टीम्स मौजूद रहती हैं, इंजीनियर्स मौजूद रहते हैं, वो तुरंत मशीन को दुरुस्त करते हैं ताकि मतदान ज़्यादा देर के लिए प्रभावित ना हो, यही कोशिश रहती है। तो फिलहाल गाजियाबाद साहिबाबाद से ये बड़ी खबर सामने आई है, बूथ संख्या 647 पर ईवीएम मशीन में खराबी दर्ज की गई, जिसके बाद इंजीनियर्स को बताया गया, जिन्होंने दुरुस्त कराया तो थोड़े वक्त के बाद ही इसे सही कर लिया गया। तो मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है गाजियाबाद साहिबाबाद से, फिलहाल ये बड़ी खबर जहां ईवीएम मशीन में खराबी की खबर सामने आई। बिल्कुल, तो लगातार बड़ी खबर के साथ बने हुए हैं। और अब रुख करना चाहेंगे बुलंदशहर से मदन का। तो मदन, जैसा कि तमाम दिग्गज जो हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में किस तरह से जनता अब जागरूक होती हुई नजर आ रही है? क्या पहले चरण में जो उदासीनता देखने को मिली थी उसी तरह की कुछ खास तस्वीरें हैं, या इस बार मतदाता जागरूक नजर आ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं? मदन, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? और चलिए, विनोद हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, आप जिस मतदान केंद्र पर मौजूद हैं, हम चाहेंगे कि वहां की तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह से वहां के मतदाता जागरूक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, क्या कुछ हलचल तेज होती हुई? जी मनीषा, यहाँ पे जहाँ मैं मतदान केंद्र में उपस्थित है, यहाँ पे मतदाताओं में बहुत उत्साह देखने को मिला है। और 7 बजे से अभी जो समय हो रहा है, लगभग 8 से 10% मतदान यहाँ पे हो चुका है और महिलाओं का अधिकतर यहाँ आना जाना लगा हुआ है। बिल्कुल, देखिए आप लगातार बूथ केंद्र पर मौजूद हैं और आप तस्वीरें भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो तस्वीरें खास हैं। आज दूसरे चरण का मतदान है, लगातार हमारे संवाददाता भी ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं। मदन, आपको क्या मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है, चलिए, मदन से शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन नवीन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नवीन, आपको आवाज मिल रही है मेरी? बिल्कुल उन्नति, आपकी आवाज। बिल्कुल, देखिए जोधपुर पर किस तरीके का मुकाबला फिलहाल इस बार देखने को मिल रहा है, कैसी नेक टू नेक फाइट है या फिर एक तरफा चुनाव जाता हुआ नजर आ रहा है, क्या बड़े मुद्दे? नहीं उन्नति, मैं इस बार पहले बताना चाहूंगा कि एक तरफा चुनाव नहीं कह सकते हैं इस बार जोधपुर में, जिस तरीके की टक्कर है, क्योंकि दोनों ही राजपूत समुदाय से आते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत भी और कर्ण सिंह उचाड़ा भी। कांग्रेस से कर्ण सिंह उचाड़ा राजपूत समाज से हैं, गजेंद्र सिंह समाज राजपूत समाज से हैं, और टक्कर बराबर की टक्कर नजर आ रही है। और वोटर्स में काफी उत्साह नजर आ रहा है। जिस जगह पे हम लोग इस समय खड़े हैं वहां पे गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी थोड़ी ही देर पहले वोट कास्ट किया है पूरे परिवार के साथ। बिल्कुल, और देखिए आपके पीछे मैं लोग भी देख पा रही हूँ, कोशिश कीजिए जरा नवीन उनसे बात कीजिए, उनके मन में क्या है, आज मतदान का दिन है और बड़े मुद्दे होते हैं, तो जरा लोगों से मन टटोलिए जरा उनका। सर हमारे साथ में, अभी आप वोट करके आ गए? मैं तो वोट करने जाऊंगा, मैं तो बड़े अच्छे मत में वोट, अभी तक मुझे बूथ में शोर से ऊपर लगे। कितना उत्साह नजर आ रहा है सर लोगों में आपके सामने? अच्छा है, बढ़िया रुझान है और बीजेपी के पक्ष में अच्छा प्रभाव है। आप क्या मानते हैं सर, जिस तरीके से वोट की दस्तक ने दोनों ही राजपूत समाज के कैंडिडेट हैं, ऐसे में क्या लगता है कि वोट का प्रतिशत किस तरह ज्यादा रहेगा, क्योंकि पहले चरण के चुनाव में जिस तरीके राजस्थान के 50% ही मतदान रहा था, उस प्रकार से कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार अपने आप को थोड़ा डरा सहमा सा मान रही है, इसीलिए शायद कुछ ज्यादा वोट कास्ट करने की अपील कर रही है सर? नहीं, वोट कास्ट ऐसा पड़ेगा, राजपूतों का अमूमन वोट ज्यादातर बीजेपी के पक्ष में पड़ता है और अच्छा माहौल है बीजेपी पक्ष में। मेरा मानना है कि 90% वोट बीजेपी पक्ष में राजपूतों का जाएगा। और भी अच्छा, राजपूत समाज खुद गजेंद्र सिंह शेखावत से नाराज चलते हैं ऐसा सामने आया था पॉडकास्ट के साथ। नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ही माहौल बनाया गया था, लेकिन अभी सभी संतुष्ट है और गजेंद्र सिंह जी ने अच्छा काम कराया है और अभी पूरा समाज गजेंद्र सिंह के पक्ष पे सब माहौल दिख रहा है। इन्होंने बताया कि जिस तरीके से पूरा राजपूत समाज गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ में है, लेकिन कहीं कहीं दबी इसकी आवाज में इस तरह की बात सामने आती है कि गजेंद्र सिंह शेखावत कहीं कहीं उनका समाज भी कटता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और राजकुमार का रुख करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। कासगंज में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कासगंज पहुंचे हुए हैं, एटा से प्रत्याशी देवेश चाकी के समर्थन में वो जनसभा करेंगे। दोपहर 11 बजे अखिलेश यादव पहुंचेंगे कासगंज, कासगंज का दौरा है उनका, एटा के सोरो में अखिलेश यादव की जनसभा है।
तो कासगंज से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कासगंज पहुंचेंगे, एटा से प्रत्याशी देवेश शाकी के समर्थन में वो वोट अपील करने के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। और अगर एटा के सियासी समीकरणों की बात की जाए तो यहां पर सपा और कांग्रेस का पलड़ा कहीं ना कहीं शाक के वोट बैंक बढ़ा सकता है, बीजेपी के लिए चुनौती खड़ी कर सकता है। क्योंकि अगर एटा सीट की बात की जाए तो यहां पर अक्सर देखा जाता है कि शाक के वोट बैंक का ही जो फैसला होता है वो निर्णायक माना जाता है। और ऐसे में सपा और कांग्रेस से उम्मीदवार जो है देवेश शाह के, उन्हीं के समर्थन में आज जनसभा का भी आयोजन हो रहा है। दोपहर 11 बजे अखिलेश यादव पहुंचेंगे कासगंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा और जो विकास हुआ सर, उस पर भी कोई ज्यादा बात नहीं हुई, दूसरे मुद्दे रहे थे। देखिए, विकास के लिए कोई कमी नहीं है। कोटा के अंदर रेलवे स्टेशन हो, पासपोर्ट ऑफिस हो, हॉस्पिटल्स हो, हाईवे हो, ऐसा कोई काम नहीं केंद्र सरकार से संबंधित जो कोटा में नहीं हुआ। चाहे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, चाहे बूंदी में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, चाहे पीने का पानी हर घर योजना हो, तमाम योजनाएं जो केंद्र की, सारी योजनाएं यहाँ पर आई। कुछ योजनाएं ऐसी भी आई जो केंद्र में पहली बार आई है, उनको भी यहाँ पे लाया गया। किसी योजनाओं की कोई कमी यहाँ पर नहीं रही। अभी जो जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, जातिगत बताया जा रहा है, आप क्या कहेंगे सर? जातियों के आधार पर चुनाव लड़ना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। कुछ लोग जाति और तुष्टिकरण के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, देश के हित में नहीं है। सर, अब आप थर्ड टाइम चुन करके जाएंगे, क्या विजन रहेगा सर एक आपका? विजन वही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 247 का एजेंडा तैयार करना, कोटा बूंदी के अंदर जो विकास के जो कुछ एजेंडे बाकी है उनको पूरा करना। आप सर लोकसभा अध्यक्ष रहे, बहुत अच्छा आपने काम किया, लोकतंत्र को भारत में किस रूप में? लोकतंत्र मजबूत है, सक्रिय। आप देख रहे हैं कि देश के अंदर बड़ी संख्या में। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है चुनाव से जुड़ी हुई। अमेठी 29 अप्रैल को नामांकन करेंगे स्मृति ईरानी। अमेठी में पांचवें चरण में मतदान होना है और हाई प्रोफाइल सीट अमेठी बनी हुई है। अमेठी से बीजेपी के प्रत्याशी स्मृति ईरानी का नाम फाइनल था, लेकिन नामांकन वो 29 अप्रैल को करेंगी, ये तारीख भी अब सामने आ गई है। पांचवें चरण में अमेठी में मतदान होना है और इसके लिए तैयारियां जोरों पर है। हालांकि अभी कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं और इसी को लेकर लगातार सस्पेंस बरकरार है। लेकिन इस बीच बड़ी अपडेट यह है कि अमेठी में पांचवें चरण में मतदान होना है, उससे पहले बीजेपी के प्रत्याशी स्मृति ईरानी नामांकन दाखिल करेंगी 29 अप्रैल को। ये बड़ी खबर अमेठी से, तो हाई प्रोफाइल सीट अमेठी इस वक्त बनी हुई है। और बिल्कुल राजकुमार का रुख करना चाहेंगे, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो राजकुमार, अभी आप थोड़ी देर पहले एक बात कर रहे थे कि बीजेपी का पलड़ा जो है वो जरूर भारी लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने एक बात का जिक्र और किया था कि यहाँ पर जो यादवों का वोट बैंक है वो भी बहुत ज्यादा मजबूत है, तो क्या वो वोट बैंक बीजेपी के लिए कोई चुनौती खड़ी कर सकता है गौतम बुद्ध नगर में? देखिए मनीषा, स्वाभाविक तौर पर देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि गौतम बुद्ध नगर की जो सीट है उस सीट की हम लोग बात कर रहे थे। ये सीट जो है ये ग्रामीण और शहरी दो हिस्सों में बटी हुई है। तकरीबन 26 लाख के आसपास मतदाता हैं और उनमें बहुत बड़ी तादाद ऐसी है कि जो सेक्टरों में है। हम अगर नोएडा एक्सटेंशन की बात कर लें तो केवल एक छोर से दूसरा छोर, केवल 5 किलोमीटर के सर्कल एरिया में 200 से ज़्यादा बिल्डरों की सोसाइटी हैं। एक एक सोसाइटी के अंदर हजारों की संख्या में लोग रह रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर क्योंकि यहाँ पे 17 गांव ऐसे हैं, चाहे हम बिल्कुल लगे हुए सरफाबाद गांव की बात करें, डीपी यादव का पैतृक गांव जो सरफाबाद है वो भी यहीं पड़ता है। होशियारपुर, सरफाबाद, सोरका, परथला, गढ़ी, चौखंडी, उसके अलावा तमाम जो गांव हैं इन गांवों में बाहुल्यता है। तो कहीं ना कहीं यादव कम्युनिटी जो है उसका एक असर, संगठन है उनका तो माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक तरफा केवल समाजवादी पार्टी के लिए चले जाएं, ये कहना बड़ा जो है वो कहीं ना कहीं जल्दबाजी होगी। तो कहीं ध्रुवीकरण, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जो बढ़त है वो ये लग रही है कि वो हर जगह है, हर जगह उपलब्ध है। यदि हम 3 विधानसभा क्षेत्रों की बात कर लें, जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने बताया कि बुलंदशहर का जो इलाका है, जेवर से जब हम चलते हैं तो जेवर के अलावा सिकंदराबाद खुर्जा, ये तमाम जो इलाका है ये ठाकुर बाहुल्य है, लेकिन उसके अलावा वहाँ पे जाट कम्युनिटी भी है, वहाँ पे तमाम और जातियाँ हैं, अनुसूचित जातियाँ हैं, तमाम जो जातियाँ हैं उनकी बाहुल्यता, ठाकुर बाहुल्य ये 3 सीटें हो सकती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है वो हर जगह है। और देखिए
एक खरगोश और कछुए के अगर उससे तुलना करें तो कछुआ जो है वो अपनी गति से चलते हुए अपनी यात्रा को पार कर लेता है, लेकिन खरगोश कहीं ज़्यादा तेज चलेगा और कहीं बहुत धीमा चलेगा। तो ये स्वाभाविक, ये जो शहरी जो क्षेत्र है, जो शहरी मतदाता है उसका रुझान स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि वो एजुकेटेड है, तमाम मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनमें काम करने वाले लोग हैं, लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प चुनौती ये है कि क्या वो वोटर निकल के बूथ तक आएगा, जिस तरीके से जिलाधिकारी मनीष वर्मा ने भी अपील की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, इस बार सरकार ने भी पूरी व्यवस्था की है कि किसी को ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े और दूर न जाना पड़े, तो इस वजह से सोसाइटियों के अंदर ही पोलिंग बूथ बनाए हैं। ऐसे तकरीबन 1200 से ज़्यादा नए बूथ ईजाद किए गए हैं, पिंक बूथ बनाए गए हैं, तो कोशिश की जा रही है कि तमाम लोग जो है वो आएँ। लेकिन शाम को देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 7 बजे के आसपास क्या परिणाम निकलते हैं, परसेंटेज किस तरीके से निकलती है भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि परसेंटेज अगर ज्यादा होगी तो उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ पार्टी को ही होता हुआ दिखेगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो आंकड़ा लगातार कहा जा रहा है कि 400 पार और जिस तरीके से बयानबाजियां हो रही है, उसके लिए जरूरी है कि वोटिंग परसेंटेज भी उस हिसाब का रहे। और इसी के लिए देखिए अब कोशिश ये की जा रही है कि मतदाताओं को जागरूक ज्यादा से ज्यादा किया जा रहा है। ठीक है, लौटती हूँ आपके पास। हमारे साथ विनोद जुड़े हुए हैं दमोह से, क्योंकि मध्य प्रदेश की भी 6 सीटों पर मतदान हो रहा है दूसरे चरण में। अगर बात करें विनोद, वहां का मुकाबला कितना ज्यादा दिलचस्प नजर आ रहा है, क्योंकि राहुल सिंह लोधी मैदान में हैं, कितनी कड़ी टक्कर वो देते हुए नजर आ रहे हैं, क्या समीकरण वहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्या मुद्दा सबसे ज्यादा प्रभावी दमोह में नजर आ रहा है? जी मनीषा, मैं बताऊंगा कि यहाँ राहुल सिंह का है वो सबसे ज्यादा योजनाओं के माध्यम से देखा जाए तो यहाँ पे भाजपा का गढ़ माना जा रहा है। दमोह अधिकतर है, लोकसभा में अधिकतर अभी तक भाजपा ही लेकर आई है, कांग्रेस को तो पछाड़ा गया है। तो ये मान के चलो कि इनका जो है राहुल जी का तो सबसे अच्छा चल रहा है। और यहाँ पे जो प्रधानमंत्री जी की सभा हुई थी उसके कारण भी यहाँ पे मतलब माहौल जो बना हुआ है भाजपा के पक्ष में ही जा रहा है। अधिकतर लोग भाजपा को ही वोट करने की बात कर रहे हैं और उनकी योजनाओं को सराह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आप लगातार बता रहे हैं कि वहां का समीकरण जो है सामने आ रहा है, लेकिन बात करूं तो कुल मिलाकर 14 प्रत्याशी वहां पर मैदान में हैं, और जब इतने सारे प्रत्याशी हो जाते हैं तो मतदाता जो है प्रत्याशी के चेहरे पर वोट करते हुए नजर आ रहे हैं, या वहां पर भी कोई लहर नजर आ रही है? नहीं नहीं, यहाँ पर प्रत्याशी को वोट तो ठीक है, लेकिन सीधा सीधा ये मान के चलो कि भाजपा के पक्ष में ही वोट जा रही है। दूसरी पार्टी के लोग मतलब योजनाओं के तरीके से जो देख रहे हैं, तो योजनाओं में जो भाजपा की योजना है महिलाओं को, जैसे लग रहा है कि हमें लाडली बहना का लाभ मिल रहा है और अन्य योजना जैसे कुटीरों का लाभ मिल रहा है, इस तरह से जो है कि भाजपा को ही वोटिंग ज्यादा हो रही है और उनकी योजना को सराहा जा रहा है। तो अन्य पार्टी की तो अधिकतर जैसे कि हम लोगों ने भ्रमण किया है तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो लोगों का यही कहना है कि हमारा जो मत रहेगा वो भाजपा के पक्ष में ही रहेगा। बिल्कुल, तो मतदाता भी काफी ज्यादा जागरूक नजर आ रहे हैं। और लगातार जोधपुर से हमारे साथ नवीन दत्ता भी बने हुए हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। नवीन, देखने को मिल रहा है कि आज दूसरे चरण के मतदान में जो जागरूकता है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, मतदाता भी अधिक से अधिक संख्या में पहुंच रहे हैं, ऐसे में वहां पर आप बताइए कि कौन कौन से चुनावी मुद्दे मतदाताओं पर हावी होते हुए किस वर्ग के जो मतदाता है वो ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर? चाहूंगा किस तरीके से वो खास करने के लिए आए हैं लोग उत्साह के साथ आए हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जी हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं। आप देख पा रहे हैं बिल्कुल, तो तस्वीरें लगातार तमाम सहयोगी दिखा रहे हैं, और ये जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं उन्नति ये दिखा रही हैं कि जो इस बार दूसरे चरण का मतदान हो रहा है उसमें जो कोशिशें तमाम सियासी दलों द्वारा की गई हैं वो अब मेहनत जो है उनकी वो रंग ला रही है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी सुबह का समय है और उम्मीद की जा सकती है कि अभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच के अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, वोटिंग करेंगे, लेकिन दोपहर तक ये तस्वीरें किस हद तक बदलती हैं ये भी देखना वाकई में दिलचस्प होगा उन्नति। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये वाकई में काफी ज्यादा दिलचस्प हो जाती हैं और एक अच्छा संकेत कि आज दूसरे चरण में वोटिंग परसेंटेज बढ़ जरूर सकता है, ऐसी संभावना। बिल्कुल, देखिए वोटिंग परसेंटेज तो खास है ही इसके साथ, क्योंकि इस बार दूसरे चरण का ये मतदान और तमाम जो दिग्गज हैं उनकी साख दांव पर लगी हुई है,
लोकसभा स्पीकर हों, अरुण गोविल हों या बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी हों, तो ऐसे बड़े बड़े नाम हैं। कांग्रेस से बात कर ले तो सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट केरल की वायनाड बनी हुई है। राहुल गांधी खुद मैदान में उतरे हुए हैं, उनके साथ ही शशि थरूर भी तिरुवनंतपुरम से जुड़े हुए हैं। तो ये जो मुकाबला है दूसरे चरण का, वो इसलिए भी ज्यादा खास हो जाता है। फिलहाल इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद रुक करते संवाददाता का। तो लखनऊ यूपी में तीसरे चरण का चुनाव प्रचार तेज हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बरेली और मुरादाबाद का दौरा, दोपहर 3:30 बजे बिलारी मुरादाबाद में करेंगे जनसभा, तो ये बड़ी खबर। 4:30 बजे बरेली में प्रधानमंत्री के रोड शो में होंगे शामिल। तो यूपी में तीसरे चरण का चुनाव प्रचार एक तरफ तेज हो रहा है, तो दूसरे चरण का मतदान भी हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली और मुरादाबाद में जनसभा करते हुए नजर आएंगे। दोपहर 3:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है, 4:30 बजे बरेली में प्रधानमंत्री के रोड शो में भी वो शामिल होंगे। बिल्कुल, तो लगातार बड़ी खबर के साथ बने हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बरेली और मुरादाबाद दौरा रहने वाला है। दोपहर 3:30 बजे बिलारी मुरादाबाद में जनसभा करेंगे वो, और 4:30 बजे बरेली में पीएम मोदी का भी रोड शो हो रहा है जिसमें वो शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। तो यूपी में तीसरे चरण का चुनावी प्रचार काफी ज्यादा तेज होता हुआ, जहां एक तरफ दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ तीसरे चरण के लिए चुनावी प्रचार को धार देते हुए तमाम सियासी दल और बीजेपी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। यूपी में तीसरे चरण का चुनावी प्रचार तेज होता हुआ, बीजेपी उस चुनावी प्रचार को धार देती हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली और मुरादाबाद के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 3:30 बजे बिलारी मुरादाबाद में वो जनसभा करेंगे, और उसके ठीक बाद 4:30 बजे वो बरेली में पीएम मोदी के रोड शो में भी शामिल होंगे। बिल्कुल, तो देखिए लगातार वोट कास्ट किया जा रहा है, और इस बीच तीसरे चरण की तैयारियां भी तेज हो चुकी हैं। तीसरे चरण के लिए भी जमकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये लोकसभा का चुनाव है, और 7 चरणों में है। 2 चरण यानी कि पहला चरण 19 को संपन्न हो चुका है, और अब दूसरे चरण की बारी है, जिसके लिए आज मतदान की प्रक्रिया 13 राज्यों की 88 सीटों पर लगातार जारी है। अलग अलग राज्यों से, अलग अलग सीटों से लगातार नेटवर्क 10 पर आप बड़ी कवरेज देख रहे हैं। जो तमाम दिग्गज मैदान में है वो लगातार टेली के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश की 8 सीटें भी, क्योंकि महत्वपूर्ण है, वहां पर मुकाबला कैसा है वो आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जयदेव सिंह अमरोहा से हमारे संवाददाता जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। जयदेव, बात की जाए अमरोहा की, तो यही एक सीट थी जो 2019 में बीजेपी के खाते में नहीं गई थी, अब ऐसे में इस बार क्या कोशिशें की जा रही हैं, क्या मुकाबला वहां पर आप देख रहे हैं? 2019 में जो भाजपा थी वो कहीं ना कहीं लड़खड़ाती हुई साफ तौर पर नजर आई थी, जिसमें गठबंधन ने जो है वहां पर बाजी मारी थी और दानिश अली जो है यहाँ से सांसद चुनकर जो है वो गए थे। वही बात कर ले तो अब इस समय जो है यहाँ जो चुनाव है अमरोहा लोकसभा में, यहाँ पर 12 प्रत्याशी जो है अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, और जिसको लेकर जो है 17 लाख प्लस वो डलने वाला है। जी बिल्कुल जयदेव, तो जिस तरह से आप भी तमाम बातों को साझा कर रहे हैं, ऐसे में ये जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है कि अमरोहा जो सीट है वो किसी भी पार्टी का अमूमन देखा जाता है गढ़ नहीं रही, तो वहां की जनता कहा जा सकता है कि इस बार किसी अन्य दल पर भरोसा जताएगी और बीजेपी का पलड़ा यहाँ पर और भी ज्यादा भारी होता हुआ? जी देखिए, अगर बात करें जनता की, तो जनता जो है सुबह से ही जो है 6 बजे से जो है लाइन में लगना जो है स्टार्ट हो गए थे ग्रामीण क्षेत्र में, लेकिन शहरी क्षेत्र में थोड़ा जो है लगभग 7 बजे से जो है वो स्टार्ट हुआ है। अगर जनता की बात करें तो जनता जो है अपने मुद्दों को लेकर, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो जिसको लेकर जो है वोट करने जा रही है। बिल्कुल, देखिए और मतदाताओं के मन में क्या है इसका निर्णय भी हो जाएगा 4 जून को। लगातार आप लोग इसी तरीके से नजर बना के रखिएगा, बने भी रहिए हमारे साथ, लगातार बड़ी कवरेज जारी। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं।